गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आमे प्रीवियस क्लास रे कोन पढ़थले रे सबो प्रीवियस क्लास रे कोन पढ़थले पोलन पिस्टल इंटरैक्शन सर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बिषय पढ़थले बुझा पला क्वेश्चन आसव गिव एन अकाउंट ऑफ mechanism of double fertilization in anchors forms ei type ra tamara question asiba long question eta to long question ei chapter ra tinita achi development of male gametophyte development of female gametophyte aa gote long question ela kon double fertilization to tinita long question ei chapter achi sexual reproduction flowering plant ra tinita long question achi development of male gametophyte development of female gametophyte aa double fertilization tinita achi to ajra class ra ame double fertilization bisoy re padiba क्वेश्चन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रे स्टेप कौन कौन रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन reproduction in flowering plant edi kon kon step rauchi re edi tinoti step rauchi kon kon gotela pre fertilization pre fertilization tapra gote double fertilization post fertilization double fertilization tapra gote kon rauchi पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखा जाए डबल फर्टिलाइजेशन कहता कौन कारण फर्टिलाइजेशन दुई थर हुए
सब प्लांट फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट फर्टिलाइजेशन दुई थर देखा से डबल फर्टिलाइजेशन कहवा कि देखा फर्टिलाइजेशन केवल हूँ केवल गोटे मेल गैमेट आउ गोटे फीमेल गैमेट फ्यूज हेल्ले से प्रोसेस को आम फर्टिलाइजेशन कहे बुझा पड़ा फर्टिलाइजेशन को फर्टिलाइजेशन विषय डबल फर्टिलाइजेशन विषय प्रथम स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट से विषय कही डबल फर्टिलाइजेशन को नोवासिन डिस्कवर कर डबल फर्टिलाइजेशन के डिस्कवर करते नोवासिन तो ये जान लो तो देख हाँ सर develops into embryo.
zygote ta koti ke develop hochi embryo ku zygote develops into embryo endosperm ra kaam kona endosperm provide food to the embryo tani bala gire double fertilization कौन होची ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लावरिंग प्लांट रे दी प्रकार स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली तैयार होची प्रथम जायगोट तैयार होची जायगोट पर एंडोस्पर्म तैयार होची जायगोट डेवलप होची कोठु को एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म रो काम करो जो एम्ब्रियो तैयार हे बस एम्ब्रियो को फूड दबो ये एंडोस्पर्म जान पालो तमे कोकोनट रे जो व्हाइट कलर पोर्शन रे सेटा होची एंडोस्पर्म असला कोन आइडिया के एंडोस्पर्म कोन हेतिलो त फ्लावरिंग प्लांट रे थ्री टाइप रो स्ट्रक्चर साइमल्टेनियस रे देखा जाय गोटा जायगोट आउ गोटा एंडोस्पर्म जायगोट कोठी के डेवलप में एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म कोन करे ना जायगोट को न्यूट्रिशन प फूड प्रोवाइड करबे रे सहायता करे कने बोला दिस प्रोसेस this process of forming this process of forming two structures is known as double fertilization and jani paso ki tinta type of structure formation hala totala zygote avala endosperm तो दी टाइप रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होबारु ए प्रोसेस को हमें साधारणतः एंडोस्पर्म बोली ए प्रोसेस को हमें साधारणतः डबल फर्टिलाइजेशन बोली कहिबा जान पाले समझते आ जान पालो की हां सर हां सर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो the process of double fertilization was first described by Strasburger while working in the monotropa plant then kala next point kon kala na the process of double fertilization was first described by Strasburger while working on monotropa plant the process of double fertilization ko kya discover karthile ba kya describe karthile first na Strasburger namak scientist re jetabale se monotropa namak jo plant re taku study karthile then kala नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखिबा डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नोवासिव डबल फर्टिलाइजेशन की क्यों डिस्कवर करले नोवासिव व्हाई वर्किंग ऑन लिलियम प्लांट जानि पाला अति इंट्रोडक्शन का डबल फर्टिलाइजेशन कोन होबो और जानि पाला क्लियर होला क्लास बर्ग का डिस्कवर करले डिस्कवर के करले नोवासिव कोटी को प्लांट रे जैसे हम इस का लिलियम प्लांट का स्टडी करले जानि पल्लो हां सर कार कोन पचारो छ पचारो नेक्स्ट ये जानि पल्लो कि डबल फर्टिलाइजेशन इंट्रोडक्शन कोन होला फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कोन ना द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन रे दीटा प्रोसेस साइमल्टेनियसली हुए कोन हुए गोटे जायगोट फॉर्मेशन हुए आ गोटे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हुए बुझा पल्ला जायगोट ता डेवलप हुए एम्ब्रियो को फूड बा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे एंडोस्पर्म बुझा पल्ला द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्क्राइब बाय साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर बाय वर्किंग ऑन मोनोट्रोपा प्लांट एंड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नोवासिव व्हाइल वर्किंग ऑन लिलियम प्लांट ठीक हो गया क्लियर ठीक समझ में क्लियर है ना नेक्स्ट
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टा कोड स्टार्ट हुए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टा जत बले गोटे मेल गैमेट आ फीमेल गैमेट फ्यूज होय सत नहीं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टा सरे किंतु फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टा स्टार्ट हुए जत बले पोलिनेशन हुए जत बले पोलिन कैंटर ट्रांसफर हुए अंकुर टू स्टिग्मा रु ता पर जायगोट फॉर्मेशन हुए जायगोट टा जाय पुई जायगोट टा एम्ब्रियो को जाय तो ए प्रोसेस ले टोटल प्रोसेस टा हुए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टा बुझा पाला जर्मिनेशन germination of pollen and formation of pollen tube ये सब प्रोसेस जब हम जानिबा ताले पॉलिनेशन प्रोसेस जानि परबा फर्स्ट कने लगा ना germination of pollen grain and formation of pollen tube तापरे entry of pollen tube into the ovule tapra sibo entry of pollen tube into the embryo sac tapra sibo tamaro double fertilization and triple fusion tapra kon asibo post fertilization event tapra asibo tamara significance aa jani parcha keta ei process ku jodi ame study kariba tale ame double fertilization bisare jani pariba ei sob process कितना प्रोसेस एक दो तीन चार पांच छह डा प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस ला जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस हमे जदी एति के प्रोसेस जानिबा ताहाले डबल फर्टिलाइजेशन विषय रे जानि पारिबा जानि पाला समस्त जदी कार कोन पचार आछि पचारो तार कौन पचार अच्छे पचार नहीं समस्त सुनी पार्छ तो मत ठीक रे हाँ सर तार कौन पचार अच्छे की हमें एक छोटी प्रोसेस जदि जानिबा ताले डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हमें जानि परिबा छोटे प्रोसेस मन रखिला कौन कौन सर देखा जाउन सर कौन हां सर देखा जाउन सर हां गोटेला जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब आवडला एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल आवडला एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक आवडला डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आवडला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड सिग्निफिकेंस जानलो केती की हां सर हला तो फर्स्ट हमें कोन पढ़बा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एटा पढ़बा देखो फर्स्ट प्रोसेस का मेकैनिज्म एई सब हेडिंग विषय बारे सब पोलन पॉइंट विषय जदे हम पढिबा ताले हम डबल फर्टिलाइजेशन विषय रे जानि परबा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब तापर छ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन सोर्स प्रोसेस इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट एटा होची सब प्रोसेस जो प्रोसेस कि हम डबल फर्टिलाइजेशन विषय रे जानि परबा तो फर्स्ट हम अछि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ Germination of pollen grain and formation of pollen tube. Germination of pollen grain. कौन अच्छी फास्ट नाम है ना germination
pollen grain and formation of pollen tube. Formation of pollen tube. এটা হচ্ছে তোমার first process. কোন germination of pollen grain and formation of pollen tube. তো তোমরা জানিছ pollination এর definition জানিছ? সেটা হচ্ছে first point. Pollination এর definition কোন? Transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. কোন? Transfer of pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. জানছ তো মানে? না নাই? আর এটা ফার্স্ট পয়েন্ট জার্মিনেশন এন্ড ফর্মেশন অফ পলেন টিউব ফার্স্ট পয়েন্ট এটা কোন পলিনেশন ডেফিনেশন ট্রান্সফার অফ পলেন গ্রাম ফ্রম আনথার টু স্টিগমা ইজ নোন অ্যাজ পলিনেশন তারপর যদি দেখি আমি পলেন ক্রিস্টাল ইন্টারঅ্যাকশন ইজ এ ডাইনামিক প্রসেস পলেন ক্রিস্টাল ইন্টারঅ্যাকশন ইজ এ ডাইনামিক প্রসেস তারপরে কোন না পলেন ক্রিস্টাল ইন্টারঅ্যাকশন ইজ এ ডাইনামিক প্রসেস আর কোন না ক্রিস্টাল রিকগনাইজেস অনলি কম্প্যাটিবল পলেন গ্রেন টু জার্মিনেট ক্রিস্টাল কোন করিব সবুবেলে কম্প্যাটিবল তা সহিত ক্রিস্টাল সহিত যে পলেনটা ফিক্স হই পারিব সি কেবল সেই পলেন সহিত হি রিপ্রোডাকশন করিব ক্রিস্টাল রিকগনাইজেস অনলি কম্প্যাটিবল পলেন গ্রেন টু জার্মিনেট ক্রিস্টাল রিকগনাইজেস only compatible pollen grain to germinate kada kon particular pollen crystal interaction re na crystal kon kar sab bele se kebal compatible pollen grain ko hi choose kare germination pai it rejects incompatible pollen grain compatible mane पोलेन ग्रेन कंफर्टेबल माने सहवस्थान क्षम माने जे की रिप्रोडक्शन करि परबो सेटा ही कंफर्टेबल पोलेन ग्रेन केवल पिस्टिल केवल कोन करबो जे सहवस्थान क्षम जे बा रिप्रोडक्शन करिवार कैपेसिटी जा पकर अछि से जा सहित फिक्स अवस्था कुनी से चूज करबो इनकंफर्टेबल पोलेन ग्रेन माने सहवस्थान करि परबो नाही ता से पिस्टिल से टाइप रो पोलेन ग्रेन को रिकग्नाइज करि परबो नाही जान पल्लो ए पिस्टिल कोन करबो गोटे निर्दिष्ट पोलेन ग्रेन को चूज करबो पोलिनेशन पाई बुझा पड़छ ना कंफर्टेबल जे की आ सहित रिप्रोडक्शन करि पारिबो सेमिति ही चूज करबो इन कंफर्टेबल पोलेन ग्रेन को से चूज करबो नाही बुझा पड़ला हमें पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन रे एटा पढ़िले जान पल्लो जान पल्लो लास्ट पॉइंट हां सर लास्ट पॉइंट तो पोलेन कौन करा पोलेन केवल क्रिस्टल कौन करा ना क्रिस्टल केवल कंपैटिबल पोलेन ग्रेन को चूज करा पोलिनेशन पाई बा जर्मिनेशन पाई इनकंपैटिबल पोलेन ग्रेन को से रिजेक्ट करला ता पर कौन हो ता पर कंपैटिबल पोलेन ग्रेन गेट्स फूड and nutrients from the stigmatic surface tapa kon hochi na compatible pollen grain kon hochi na compatible pollen grain gets food and nutrient from the stigmatic surface j
जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन टा कोन करची स्टिग्मा जो थिबो फ्लूइड आ न्यूट्रिएंट से सब अब्सॉर्ब करूची कंपैटिबल पोलन ग्रेन एंड फॉर्म पोलन ट्यूब कोन फॉर्मेशन करची पोलन ट्यूब जान पालो अरे स्टिग्मा फ्लावर ऊपर सरफेस से स्टिग्मा अछि ने स्टिग्मा रे कोन होची फ्लूइड आ न्यूट्रिएंट से स्टोर करूची तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन गेट्स फूड जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन का फूड और न्यूट्रिएंट्स फूड पाइबो स्टिग्माटिक सरफेस रे पाइबो स्टिग्मा रे पाइ के से कोन तैयार करबो पोलन ट्यूब तैयार करबो जान पाला यस सर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल काउंसिल एग्जाम रे सब वर्ष एक कते क्वेश्चन पडुची एक मार्क क्वेश्चन ने पचाउची ए तीनटा जिंस कोन कोन परगामी मेजोगामी चालाजोगामी हला कोन कोन परगामी मेजोगामी चालाजोगामी चालाजोगामी यस सर एटा कोन कहबा मे माइक्रोपाइप माइक्रोपाइप अपोजिट को सेटा कोन कहबा चला जा एटा कोन कहबा इंटुगमेंट तमे एनाट्रोप सबिन मन को एनाट्रोप सबिन लेटा छले ने हम जतले फीमेल गैमेटोफाइट पडुतले आ जान पाछो ने आ एनाट्रोप सबिन कथा मन को एनाट्रोप सबिन ले कोन थिला इंटुगमेंट चला जा माइक्रोपाइप हीलियम ए सब जिंस थिला ने नै हां सर कौन बोला लगी
pollen tube ta tinita entry rate tinita entry point deki pollen tube ta entry kore koti ki na ovule ku tinita entry point deki pollen tube ta entry kore koti ki ovule ku se tinita entry kon kon gote entry la micropyle entry of ovule through micropyle is known as porogamy entry of pollen tube into the ovule through integument is known as mesogamy entry of pollen tube through chalazal gland is known as chalazogamy jan palo jadi porogamy ka example dekhiba lili mesogamy ka example dekhiba cucurbita aur jadi chalazal gland ka dekhiba cachorina तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल पर मोस्ट इंपोर्टेंट इन सो एग्जाम राइट तो एक मार्क क्वेश्चन में गोटे पचार छी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल जदी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पर होए सेटा कोन कहबा परोगामी जदी इंक्यूबेमेंट पर होए सेटा कोन कहबा मेजोगामी जदी चालाजो एंड पर होए सेटा कोन कहबा चालाजोगामी कर पाला एग्जांपल टी कोन तो सर कोण ट्रे एग्जांपल कोई देंत सर एग्जांपल परोगामी रे एग्जांपल लिली लिली आउ मेजोगामी रे एग्जांपल कुकुरबिटा आउ चालाजोगामी रे काजोरिना जान पालो आ जान पालो की हां सर हां सर सर आउ का कोन डाउट अछि एटा मन रखो इंपोर्टेंट दा माइक्रोपाइल द्वारा हेले परोगामी एंट्री ऑफ पोलन टू थ्रू माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल द्वारा हेले परोगामी इंक्यूबेमेंट द्वारा हेले मेजोगामी चालाजोगामी द्वारा हेले चालाजोगामी एग्जांपल परोगामी लिली मेजोगामी कुकुरबिटा चालाजोगामी काजोरिना मन रहला ए डायग्राम हां सर ए डायग्राम में देखि मन रख मन रहला की कौन बोल रहा है भाई ध्यान दे के सुनो मन आ मन रखिया चेष्टा कर यदि न बुझी पड़ चाहे पचारो कारण एटा ही एग्जाम रे आसु छी बारंबार पचाउ छी एटा समस्त रे क्लियर आला एग्जांपल सहित ना नहीं हां सर तब हमर तीन नंबर का कौन जिला हमर मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन रे एक गोटे थिला germination and formation of pollen tube tapar dekhala entry of pollen tube into the ovule tapar entry of pollen tube into the embryo sac tin number ta kon amaro entry of pollen tube into the embryo sac na nahi aur tin number ta kon thila amaro entry of pollen tube into the embryo sac entry of pollen tube into the embryo sac se dam dekhna entry of pollen tube into the embryo sac kon sa tin number ka entry of pollen tube into the embryo sac eta thila na nahi entry of pollen tube into the embryo sac hala eta kon dekhiba na pollen tube enters into the ovule pollen tube enters into the embryo sac through micropyle dekho kon hote idi na pollen tube enters into the embryo sac through micropyle pollen tube ka entry hochi embryo sac ku ka dwara na micropyle dwara bula bala pollen tube enters into the embryo sac through micropyle kon kahe lagi ha
हाँ सर पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एंड्रोसैक थ्रू माइक्रोपाइल मन पड़ लगे इटा जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब तब रहला एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल तब रहला एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एंड्रोसैक तब पर प्रोसेस कौन अछि रे तब पर प्रोसेस कौन अछि डबल फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन ते तीनटा प्रोसेस जानि पालो कि जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एंड्रोसैक एति जानि पालो यस सर